was very boring yaar. मैं तो रोज रोज के इन लेक्चर से थक गया हूँ यार. बस कॉलेज खत्म होने के इंतजार में हूँ. तू पागल हो गया क्या यार? यहाँ नहीं तो ऐसी कोई बिल्डिंग ही नहीं जहाँ इतनी लड़कियाँ हो. यू नो माय डैड इज कूल यार. पहले तो मैं शर्माता था, डरता था, बट इज सुपर कूल. एंड दैट प्लेबॉय का कलेक्शन, दैट इज ऑसम यार. हे आई टेल यू हिज डैड इज अ ड्यूड. अरे वेयर इज राहुल यार? राहुल? राहुल मेरी मम्मी. हाय प्रीति. प्रीति आई एम सॉरी. मेरी बात सुनो, घर पे कोई नहीं है, मम्मी बाहर गई है. मैं जानता हूं तुम्हारी मम बॉन्साई क्लास गई है, एक घंटे बाद आएगी. इसलिए हाँ, तो मैं कह रही हूं कि देखो गिव मी सम टाइम टू एक्सप्लेन यू. प्रीति मंदराव. थैंक यू प्रीति. राहुल मेरी बात तो सुनो, मम्मी अभी बाहर गई है और कभी भी आ सकती है. तुम इस वक्त प्रीति में बैठ जाओ. नहीं ओके. राहुल कोई आया है? मम्मा पकड़ दे राहुल. खड़े हो राहुल? यहाँ नहीं, नहीं यहाँ. एक काम करो, जल्दी छुपो राहुल. फ्लावर्स अपने पास रखो. माफ तो कर दिया ना. हाय मम्मा. अरे मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई. पर्स कहाँ? मैं बताती कहाँ पे. जाने कहाँ रखा था? शायद नहीं वहाँ पे. नहीं मम्मा तुम्हें पता है? मुझे पता है ना कहाँ पे. अब किचन में. चलो ना मम्मा. अरे नहीं नहीं आपको प्यास लगी है? मुझे भी बहुत प्यास लगी है. Excuse me, sir. Who are you? Sir, Rahul. यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? सर मैं प्रीति के दोस्त हूँ. प्रीति? I'm sorry, mama. कब से जानते हो उसे? सर दो साल से. दो साल से? नहीं सर, एक्चुअली तीन साल से. बटन बंद करो. सर बटन तो बंद है. बटन बंद. पापा मैं चाय लाती हूँ. नहीं प्रीति मैं चाय नहीं पीऊंगा. तुमसे पूछा? नहीं सॉरी. तुम्हारे जनक क्या करते हैं? क्या? तुम्हारे पिताजी. पिताजी? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है. उन्हें पता है कि तुम. सुनो बात नहीं कर. क्या 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 देख रहे हो उधर? कुछ नहीं सर. सर वो शास्त्रीय संगीत में रुचि है? हाँ बोलो. हाँ. गर्दन क्यों हिला रहे हो? सर कुछ नहीं. हाँ बोलो. रुचि है? नहीं सर. लेकिन सर मुझे किशोर कुमार के सारे गाने आते हैं. हाँ. मैंने म्यूजिक में PhD किया है. पसानी धा पा मा पा गा मा गा सनी सनी पा गाओ. गा सकते हो क्या? सर थोड़ा बहुत. तो देखे तुम्हारे हुनर को. जी तुम्हारी आवाज. नहीं सर. सर अगर मैं गाऊंगा तो आप सचमुच बहुत डर जाएंगे. That too late, my boy. नहीं सर. गाओ. चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे जलाए. बुझाए? सर हम कंफ्यूज भी जलाएं बुझाया. सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? उसे को मैं तुम्हारे पिताजी को बताऊंगा. सिंगिंग एज ए प्रोफेशन कभी मत लेना. यू राइट सर. लेकिन सर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ. क्रिकेट बहुत अच्छा सर. क्रिकेट. हाँ क्रिकेट. देखो स्क्वायर कट में मैं बहुत वीक हूँ. कैन यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स सर. आई एम सॉरी सर. ऑफ कोर्स सर. बताओ सर. कैन आई होल्ड यू? यस. थैंक यू सर. समझो अगर बॉल वहां से आ रहा है तो यू जस्ट लिफ्ट योर बैट लाइक दिस एंड हिट इट अराउंड लाइक दिस. ट्रस्ट मी मैं अभी ठीक करता हूँ. सर देखो 1, 2 and 3. क्या हो गया पापा? सब ठीक है ना? कमाल हो गया. पीठ का दर्द तो बिल्कुल गायब. You're welcome sir. मैंने thank you कहा. नहीं sir thank you. Sorry sir. Thank you. प्रीति चाय तैयार? एक सेकंड में पापा. प्रीति मेरे लिए भी चाय लाना. क्या? मत लाना. But luckily राहुल और प्रीति के डैड का इक्वेशन एकदम फिट बैठ गया. चलो अच्छा हुआ सब कुछ सॉर्ट आउट तो हो गया. अब तुम लोग पढ़ाई पर तो कॉन्सेंट्रेट करोगे? एक हफ्ता रह गया तुम्हारे एग्जाम को. मुझे पक्का विश्वास है पूरे साल की पढ़ाई तुम लोग एक ही हफ्ते में करोगे.
एक्चुअली पढ़ाई की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. हम लोगों ने अनु के नोट जेरोक्स करा लिए हैं. ऑल वी हैव टू डू इज स्टडी वेल और लास्ट एग्जाम से पहले हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे. सिंपल. आखिरी एग्जाम है क्यों? वेल सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन. नहीं समझी, बताता हूँ. जब हम फोर्थ चरण में थे तो लास्ट एग्जाम से पहले राहुल को टाइफाइड हो गया और वो एग्जाम देना बहुत जरूरी था. तो हम सब ने बारी बारी मिलकर राहुल को कोच किया था और उस पेपर में हम सबको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे. तो क्या, तब से हम लास्ट एग्जाम के लिए साथ में बैठ के पढ़ते हैं. तुम लोग पागल हो. यू आर मैड. पागल? तुम चलो मेरे साथ. अरे आप चलो तुम. कम ऑन. अरे अच्छा बाबा चल रही हूं. अच्छा नहीं लगता? मैं गेम्स फील पर खेलता हूँ, दिलों से नहीं. ओके. चीयर्स. चीयर्स. I'll show you something. Look at this. So funny. Oh gosh. Ranjit, see this message. So stupid. Can you actually believe it? This friend of mine just keeps messaging me and I laugh all day. Oh, that was a good meal. Yeah. Come, let's go. Let's go. Are you sure you don't want me to drop you? You like the food? Sure. Good night. Bye. I love eating. Me too. But... Anu? Ranjit, तुमने मुझे हाय क्यों नहीं बोला? तुमने भी नहीं कहा. मैंने सोचा वो तुम और ईशा शायद. मैं तुम्हें disturb ना करूं. मैंने भी यही सोचा. Anyways, I'm sorry. This is my cousin Manoj और ये है रंजीत. Hi Manoj. Nice meeting you. Nice meeting you. Hey, why don't you join us? Oh no, please. Enjoy your dinner. मैं चलता हूँ. बैठ जाओ. Thanks. What would you eat? Chinese? And I think so because. बहुत अच्छी लग रही हो. रंजीत क्या हुआ? मेरी बाइक खराब हो गई. ओ, अब क्या करोगे? अब इसे पुश करना पड़ेगा. मैं तुम्हें कंपनी दूँ तुम्हारे घर तक? लेकिन तुम्हारी टैक्सी? टैक्सी तो तुम्हारे घर के पास भी मिल सकती है ना. चलो चलो. तो तुम छुट्टियों में क्या कर रहे हो? पता नहीं. स्टॉप बीइंग डिप्रेस्ड यार. जानते हो मैं अपनी माँ के पास शोलापुर जा रही हूँ. एग्जाम्स के बाद जो पार्टी है उसके लिए तो रुकोगी ना? नहीं, मैं उसी रात जा रही हूँ. कम ऑन अनु, वहाँ पूरा ग्रुप होगा, तुम अगले दिन भी जा सकती हो. तुम ईशा के साथ डांस कर लेना एंड हैव अ गुड टाइम. डोंट वरी, मैं एक डांस तुम्हारे साथ भी कर लूंगा. ना, क्योंकि जब हम डांस करेंगे तो सिर्फ हम डांस करेंगे. ओके. राहुल, आई एम सो हैप्पी पापा और तुम्हारी दोस्ती हो गई. हाँ, मैं भी. लेकिन उस दिन अगर मैं एक और गाना गाता ना, तुम्हारे डैड वहीं टपक जाते. राहुल, आई मीन बेहोश हो जाते. अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ. जब तुम गाना गाते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो. मैं गाते हुए क्यूट लगता हूँ? थैंक्स. अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच सच बताओगे ना? हाँ. तुम्हारे पेरेंट्स से मेरे मम्मी पापा कब मिलने आ सकते हैं? क्यों? क्यों क्या राहुल, ये भी मैं ही बताऊँ क्या तुम्हें? क्या? हमारी शादी की बात करने और क्या? प्रीति, मगर हम शादी कब कर रहे हैं? कॉलेज के बाद. देखो, कॉलेज के बाद हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी और फिर पापा. प्रीति, एक मिनट. प्रीति, कॉलेज के बाद मुझे एमबीए करना है. उसके लिए मुझे 2 साल लगेंगे. एमबीए के बाद मुझे काम करना है, मेहनत करना है. मुझे उसके लिए कम से कम 3 साल चाहिए.
देखो 5 साल तक तो शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। You mean to say तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? Obviously नहीं। I mean अभी नहीं। देखो प्रीति, शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है। शादी बहुत दूर की बात है। पहले मैं एक दूसरे को जान ले, पहचान ले ना, और फिर ये लव मैरिज करके क्या फायदा अगर एक अरेंज मैरिज की तरह हमें एक दूसरे को डिस्कवर करना पड़े। डिस्कवर करना पड़े? राहुल, तुम मुझे कितने साल से जानते हो और क्या जानना चाहते हो? या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे लिए किसी लड़की को पहचाना इज टू हैव सेक्स विद हर? प्रीति, यू जस्ट बीइंग वेरी अनफेयर। आई एम बीइंग अनफेयर? मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, और मेरे पापा सही कहते हैं कि तुम सब लड़के भेड़िए हो। प्रीति, प्रीति, एक मिनट। राहुल, शिट, शादी, ये शादी हर रिलेशनशिप का अंत क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। डोंट से दैट। प्रीति एक कंजर्वेटिव फैमिली से है जहां पर लड़का लड़की शादी से पहले मिलते भी नहीं, और प्रीति ने तुम्हारे लिए काफी रिस्क उठाए हैं। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे क्या पता। अब वो प्रीति को शादी का अजीब दौरा पड़ गया, समझती नहीं है वो। तुम उसे प्यार करते हो? आई डोंट। आई डू, करता हूँ प्यार उसे। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? यू नो समथिंग, यू द लकीस्ट। नो बॉयफ्रेंड, नो टेंशन। अच्छा, और क्या। तुम एक रेडीमेड मटेरियल हो, हर लड़का तुमसे शादी करने ऐसे ऐसे तैयार हो जाएगा। पर प्यार तो नहीं करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं ईशा जैसे मेकअप नहीं लगाती, उसकी तरह हॉट हॉट ड्रेसेस नहीं पहनती, और लड़कों को अपनी उंगली पर नहीं नचाती, इसलिए ना। ये ईशा, शिट, यू मीन रंजीत? ओ शिट, अब कम ऑन अनु, तुम्हें क्या लगता है रंजीत ईशा से प्यार करता है? लेडी ड्रैकुला से क्यों प्यार कर सकता है? नहीं ना अनु। पापा, तुम एक बार जाकर रंजीत से कहो कि तुम उसे प्यार करती हो, 2 सेकंड में वो तुम्हारे पीछे शोला पुर तक आएगा, भागकर। पर मैं ईशा जैसी तो नहीं हूं ना। कौन कहता है? अच्छा, मैं तुमसे एक सीक्रेट कहूं? हाँ हाँ, अगर मेरी जिंदगी में प्रीति नहीं होती ना, तो मैं तुम पर हर सेकंड लाइन मारता। पर प्यार तो नहीं करते ना? चुप। और रंजीत भी मुझसे प्यार नहीं करता। अरे बाबा, वो बेचारे के ब्रेन के मसल्स अब तक डेवलप नहीं हुए उसके बॉडी की तरह, सूनर और लेटर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है? और प्लीज तुम रंजीत को ये मत बताना, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाए। प्रॉमिस मी प्लीज। कैसा मजाक बाबा? प्लीज। ठीक है, आई प्रॉमिस यू। और अब ये करना बंद करो, एंड शो मी नाइस स्माइल, सी लाइक से ही। देखो, मेरी भी हालत इक्वली खराब है, मैं किसे हंस रहा हूँ? से ही। क्यूट यार, तुम एक बंदर की स्पीशी लग रही हो। देख लड़कियां ऐसे घुमाते हैं जॉनी, ऐसे तू पढ़ ले लेकिन। हाय जॉनी। हाय हाय गॉर्जियस वुमन, वुड यू लाइक टू हैव जॉनी? हेल आर यू सेइंग मैन? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट डू यू थिंक यू आर? स्टॉप इट, हाउ डेयर यू स्पीक टू हर लाइक दैट? जॉनी स्टॉप इट, चलो यहां से। आई वाज जस्ट, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं जॉनी यार। गुस्सा हो रहे हो? ऐसा उसने क्या कह दिया? मालूम नहीं मुझे। इतना उदास क्यों हो? आई डोंट नो। मैं बताऊं, कॉलेज खत्म होने वाला है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे? दोस्तों के बिना कैसे रह पाओगे? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।
स्टेला मैं एग्जाम्स के बाद अपने मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ. I can't stay. I'll miss you, Johnny. You've been a very good friend. Stella. Johnny, stop it. Stella. Johnny, stop it. Stop it. Please, Stella. I love you. Stop it. I love you. Stop it, Johnny. I love. Stop it. Stop. Stella, just shut up. Just go. I'm sorry. यहाँ से निकल जाओ. I'm really sorry. Just go away. Stella, I'm sorry. Just stop it. Do not touch me. Get out. I'm sorry. Okay. यहाँ से चले जाओ. I'm sorry. Just go away. I'm sorry. Just get out. I'm sorry, Stella. Just go.